नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी बिहार की जूनियर भर्ती आई हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम केवल एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। यानी कि पिछली बार आपके पेपर हुए थे दो, एक पहले दिन हुआ था जो आपकी भाषा थी उसका अर्हता का, और दूसरा परीक्षा हुआ था आपके मेन एग्जाम का। इसमें दो पेपर आपके हुए थे, एक हुआ था जीएस का 40 नंबर का और 80 नंबर का हुआ था दूसरा, और ये 120 नंबर जुड़कर आपको जो जॉब मिलनी थी उसकी कट ऑफ निकाली गई थी, ठीक है। इस प्रकार ये पहले का था। इस बार क्या चेंजेस कर दिया गया है, इस बार जो है दोनों पेपर जो हैं एक दिन ही होंगे, ठीक है। इस बार क्या कर दिया गया है, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे, ठीक है। जो लैंग्वेज वाला पेपर है उसको कर दिया गया है 30 नंबर का, ठीक, और उसके बाद जो आपका दूसरा पेपर है वो कर दिया गया है 120 नंबर का, ठीक है। 40 ए और 80 ए और 40 नंबर आपके जीएस के लिए, ठीक है। तो पूरी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें जो पेपर में टाइम मिलने वाला है, वो टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं 6 से 8 वर्ग के लिए। किससे बात कर रहे हैं, 6 से 8 वर्ग के अध्यापकों के लिए, ठीक। सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर होगा, जो आप पेपर आपका होगा वो होंगे उसमें 150 क्वेश्चन, ठीक है। और पेपर का समय रखा गया है देखिए 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। तो पहला पेपर इसमें देखिए भाषा या अर्हता का होगा, उसमें 30 प्रश्न आएंगे, ठीक, और कुल अंक हैं इसके लिए 30, ठीक। 30 प्रश्न आएंगे और इसके लिए 30 अंक, एक नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक। अब इसमें होगा क्या, देखिए भाग एक यानी कि अंग्रेजी होगी, भाग दो यानी कि हिंदी होगी, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 30 में से नंबर लाना है 9 पास होने के लिए, ठीक। ज़्यादा भी लाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मिनिमम नंबर इसमें चाहिए 30, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्क इसमें रखी नहीं गई है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, जो 30 नंबर की आपकी आएगी वो लैंग्वेज के आएंगे और इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसके नंबर जो होंगे नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, क्वालिफाइड करना है। अगर आप इसे क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे तो आपका जो सेकंड पेपर है जो कि आपका होगा 120 नंबर का, उसमें वो आपकी जाँची ही नहीं जाएंगी, वो आपकी जाँची नहीं जाएंगी अगर आप ये पेपर क्वालिफाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान देना है, जो 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको मिनिमम 9 नंबर लेकर आना ही है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा 120 नंबर का पेपर होगा जिससे हमारी जॉब मिलेगी वो कैसा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा 120 नंबर का पेपर कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा पेपर होगा विषय एवं सामान्य अध्ययन से, ठीक है। ये 120 नंबर का पेपर होगा, इसमें पहला जो 80 नंबर का पेपर है वो आपका विषय होगा, और दूसरा पेपर जो आपका 40 नंबर का है इसमें आपके सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न आएंगे। वो 40 प्रश्न कौन कौन से आएंगे आप इसमें देख लीजिए, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भूगोल व इतिहास के प्रश्न आएंगे ये 40 नंबर में, ठीक है। और 80 नंबर के जो भाग एक का प्रश्न होगा उसमें आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए आप हिंदी के अध्यापक हैं लैंग्वेज के, तो आपके हिंदी के 80 क्वेश्चन आएंगे, और ये 40 नंबर का ये सबको देना है, ठीक है, चाहे जिस भी विषय के आप टीचर हों। और अगर मान लीजिए आप मैथ के हैं तो आपके मैथ से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर मान लीजिए आप साइंस के हैं तो उसमें साइंस से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। एक बात हम और आपको इसमें बता दें, बहुत लोगों को इसमें ये डाउट होता है जो साइंस साइड के बच्चे हैं कि उन्हें 40 क्वेश्चन आएंगे साइंस के और 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, ठीक है। ये इसमें बदलाव कर दिया गया है, इस बार क्या किया गया है, जो साइंस के क्वेश्चन हैं, अगर आपने साइंस टीचर आप बनेंगे साइंस से, तो आपके 80 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, ठीक है, ये आप बड़ी खबर देख लीजिए। और अगर आपको मैथ से भरेंगे तो 80 क्वेश्चन आपके आएंगे मैथ्स के, ठीक है। बाकी जिससे भरेंगे आपका, जिस विषय से भरेंगे उससे आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप हिंदी से भरें, चाहे आप इंग्लिश से भरें, चाहे किसी भी लैंग्वेज से भरें, ये आपको बात ध्यान देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बड़ा बदलाव निकल कर आता है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जब भी साइंस साइड के बच्चे अपीयरिंग करते थे तो उसमें 40 क्वेश्चन आ जाते थे साइंस के और 40 क्वेश्चन मैथ के, तब ये 80 नंबर के क्वेश्चन बनते थे जिससे हमें मेरिट में जुड़ते थे, ठीक है। तो आपको बता क्या रहे थे, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं भाग एक, ये 80 प्रश्न
इसमें अगर आपने मैथ से भरा तो मैथ के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, साइंस से भरा तो साइंस से आएंगे, सामाजिक विज्ञान से भरा तो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान या भाषा 80 क्वेश्चन उसके आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ी आप लोगों के लिए उपलब्धि है कि एक ही विषय पर आपको फोकस करना है, ठीक है। दूसरा है प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भूगोल व इतिहास के प्रश्न। ये तो आप लोग जानते हैं, सभी को पेपर 2 तो सभी के लिए होगा, चाहे जिस विषय के टीचर बने इतना आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म अप्लाई करने की वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर निकल कर आती हैं, वो इस प्रकार हैं। निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी है 5 नवंबर से 14 नवंबर तक, ठीक है। और अगर आपने 14 नवंबर तक फॉर्म नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो शुल्क जमा करने की आपकी और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि हो जाएगी 17 नवंबर। लेकिन इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको, लेट फीस इसमें आपको देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान दीजिए। आवेदन जो शुरू होने की तिथि आपकी हो जाएगी 10 नवंबर 2023 से, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि हो जाएगी 15 नवंबर 2023 तक, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगर आप में कोई करेक्शन करना है आपको फॉर्म में, तो 25 नवंबर के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन आवेदन 10 से 25 नवंबर तक होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें अगर आप जानना चाहते हैं कि सीटेट वाली अपेयरिंग वाली अप्लाई होंगे कि या नहीं होंगे, तो हम आपको स्पष्ट रूप से बताए दे रहे हैं, उसमें कोई भी दो बातें नहीं है। सीटेट अपेयरिंग वाले इसमें अपीयर अप्लाई नहीं कर सकते हैं अपेयरिंग वाले, क्यों, क्योंकि उन्हें भर्ती जल्दी करवाना है, इसलिए अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और भर्ती इसमें आपकी कम कर दी गई है, इस बार भर्ती जो निकल कर आ रही हैं वो लगभग आपकी 16 से 17 हज़ार के बीच में भर्ती हैं, लेकिन आगे इनकी बढ़ने की संभावना पूरी रखी गई है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए जिससे आप एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को जो 6 से 8 के अध्यापक थे जो तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।